गुड मॉर्निंग गाइस, और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर करूंगी। अर्ली मॉर्निंग से यहाँ पे आ गई हूँ। अभी किचन में सुबह का समय है, तो सभी लोग भाई बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो मेरी भी बेटी स्कूल जाती है और मैं अभी जा रही हूँ उसको दूध देने। तो दूध देने के बाद मैं उसका टिफ़िन तैयार करूँगी। तो टिफ़िन में आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। तो फिर मेरी पोहा की रेसिपी आप लोग देखिए। तो फिर मैंने यहाँ पे चूड़े को भिगो दिया है पहले ही, और मेरा चूड़ा भीग चुका है अब। और मैं अब प्याज को कट कर लूँगी, और फिर उसके बाद मैं टमाटर को भी कट कर लूँगी, तो ताकि मुझे बनाते समय दिक्कत ना हो। दोनों चीज़ को एक साथ कट करके रख लूँगी पहले। फिर मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ाऊंगी और मेरी कढ़ाई गर्म हो जाएगी, तो मैं उसमें 1.5 चम्मच तक ऑयल डालूंगी। और ऑयल मेरा गर्म हो जाने के बाद मैं उसे राई डालूंगी। राई चटकने के बाद फिर मैं उसे प्याज डालूंगी। प्याज को मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूंगी, क्योंकि प्याज थोड़ी कच्ची सॉफ्ट हो जाएगी तो अच्छी लगती है। थोड़ा सा सॉफ्ट ही, आप चाहो तो ब्राउन कर सकते हो आप प्याज को, पर मैं यहाँ ब्राउन नहीं करूँगी। तो मैं यहाँ पे हल्दी और मिर्च ऐड कर दूँगी, और उससे पहले ही मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता ऐड किया है। और उसको थोड़ी देर पकने के बाद फिर मैं इसमें मूंगफली ऐड कर दूँगी। मूंगफली ऐड करने के बाद फिर टमाटर को भी इसमें ऐड कर दूँगी और पकने दूँगी टमाटर को थोड़ा सा। आप लोग चाहो तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हो, आलू को फ्राई करके इसमें डाल दीजिए, पर मैं आलू यहाँ नहीं डाल रही हूँ, तो आप लोग चाहो तो डाल सकते हो। और मैं नमक डाल के टमाटर को पका दूंगी ताकि मेरे जल्दी गल जाएं टमाटर, और ढक के इसको पकने दूंगी थोड़ी देर। फिर मैं जो पोहा मैंने धो के रखा है इसी में डाल दूंगी, और उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। 5 से 10 मिनट चलाते हुए इसको मिक्स कर लूंगी अच्छे से। तो बस मेरा पोहा बनके तैयार है। और आप लोग चाहो तो इसमें धनिया भी डाल दो, मेरे पास है नहीं तो इसलिए मैंने नहीं ऐड किया है। और फिर आप इसमें सेव भुजिया डालकर आप सर्व करिए, खाइए, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे गाइस सभी को आता है पोहा बनाना, सिंपल है, बहुत सिंपल है बनाना। तो बस मैं अब यहाँ पे टिफ़िन उसका रेडी कर देती हूँ। उसका टिफ़िन रेडी करने के बाद फिर मैं उसको तैयार कर दूँगी, इसकी चोटी वगैरह करूँगी, और फिर उसके बाद घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा डेली जो सभी के घरों में होता है, वही मेरे घर पे भी होता है, वही मेरा भी रूटीन है। तो बस फिर मैं अभी चोटी कर रही हूँ इसकी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज सुबह से ब्लॉग चालू करी हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया जैसे कि आपने देखा अभी। और आज नाश्ते में मैंने पोहा बनाया था, तो लोगों का नाश्ता हो गया है और इसको सुलाया, लेकिन अभी मेरी आवाज़ सुन के फिर से ही उठ गई है, ये देखो उठ के बैठी हुई है। तो अभी देख रही है कि मम्मा क्या बात कर रही है। तो बस यही है डेली का, वही रूटीन होता है। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करके फिर लंच की तैयारी करूँगी। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखने की कोशिश किया करिए,
और मैं भी आप लोगों की वीडियो पूरी देखने की कोशिश करती हूँ और जब टाइम मिलता है तभी देखती हूँ। मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों की वीडियोस आ गई हैं। नोटिफिकेशन बेल को मैंने दबा रखा है ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी वीडियो अपलोड कर दी है। तो मैं ज़रूर देखती हूँ आप लोगों की वीडियो, जब समय मिलता है तब देखती हूँ। और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। तो सबको दिल से थैंक यू, सच्ची में बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आप लोग इतनी अच्छी अच्छी कमेंट करते हो। और अच्छा लगता है इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके। धीरे धीरे ही होता है सब कुछ, मैं भी धीरे धीरे ही आगे बढ़ूँगी, आप लोग भी धीरे धीरे इसी तरह हम सब मिलके एक साथ बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो बस आज के लिए यही है। और अभी तो चाहती हूँ मैं लंच की तैयारी करूँगी, आधा घंटा एक घंटा रेस्ट करने के बाद। तो आपसे बाद में बात करती हूँ, ये उठ गई हैं तो अब परेशान कर देंगी, बात नहीं करने देंगी। तो हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हाय बोलो, हाय हाय हाय, हेलो बोलो। ओ अच्छा पाली दे दो, पाली। अच्छा कावा कैसे बोलता है बताओ, कावा कैसे? अरे नहीं 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 नहीं, ओ मोबाइल मांग रही है। चलिए फिर बात में आपसे बात करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लंच की तैयारी शुरू कर दी है। मैंने दाल चढ़ा दी है और इधर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। सब्ज़ी मैं ग्वारफली की बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाला है 1.5 चम्मच तक। फिर उसमें तेल गर्म होने के बाद मैं फिर जीरा और मेथी का तड़का लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं प्याज ऐड करूंगी और अदरक लहसुन को मैंने कूट रखा है उसको डाल दूँगी इसमें और इन सबको मैं ब्राउन होने तक पका लूँगी। और फिर मैं मसाले ऐड करूंगी। मसालों में मैं हल्दी पाउडर है, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और सब्जी मसाला है बस। और इन सब मसालों को मैं करीब 1-2 मिनट के लिए पकाऊंगी और फिर उसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। पानी यहाँ अभी नहीं ऐड करूंगी मैं। और टमाटर गलने तक पकाऊंगी। टमाटर मेरे जब गल जाएंगे अच्छे से, फिर मैंने जो सब्ज़ियाँ काट रखी हैं ग्वारफली और आलू को इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से भूंज लूंगी इनको। और फिर मैं नमक डालकर ढक के पकाऊंगी। मैं यहाँ पानी नहीं ऐड करूंगी बिल्कुल भी, सब्ज़ी को मैं सूखी बनाऊंगी। आप लोग चाहो तो पानी ऐड कर सकते हो पर मैं ऐसे ही पकाऊंगी सूखी। तो सब्ज़ी बनके मेरी तैयार हो गई है और अब मैं इधर चावल को धुल लूँगी। चावल को 1 सीटी आने तक पकाऊँगी और फिर मैं इधर दाल में तड़का भी लगा दूँगी। दाल मेरी पक चुकी है और दाल में तड़का मैं खाली जीरा और मिर्च से तड़का लगाऊँगी और हींग डाल के बस। तो दाल भी रेडी हो गई है और मैं फिर इधर रोटियाँ भी सेक लूँगी। तो बस मेरा लंच हो गया तैयार। तो बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसा लगा मेरा लंच, अच्छा बना है या नहीं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो फिर इसके बाद मैं सीधे शाम को ही मिलूँगी आप लोगों से। तो अभी शाम के बज गए हैं 4:30 और मैं आई हूँ छत पर। तो देखिए मौसम कितना बढ़िया, यहाँ पे गमले लगे हुए हैं जो हमारे घर पे मेरे पापा जी ने लगाए हैं, खुद घर से ये खाली बॉटलों से ही बनाए हैं ये। बस बच्चे मस्ती कर रहे हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।